यह जो मानव जीवन है वह कर्मों का भी एक एक समूह है। हम प्रतिपल कर्म करते ही जा रहे हैं। कर्म कर रहे हैं और उसका हमें फल मिल रहा है। हमारा यह जो मानव जीवन है, दूसरे शब्दों में कहें तो ये कर्मों का कोष है। हम प्रतिपल कर्मों का संपादन कर रहे हैं और उसका फल भी हमें मिल रहा है। हमारे दैनंदिन के कर्म हैं, दिनचर्या के कर्म हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, ये हमारा कर्मों का प्रवाह चल रहा है। जब हम गाढ़ी नींद में सो जाते हैं जब हम पूर्ण निद्रा में होते हैं उस समय भी हमारे हमारे प्राणों के द्वारा कर्म हो रहा है। वे अपना कार्य कर रहे हैं। जब सब सो जाते हैं, जब सब सो जाते हैं तो कौन है जो जागता भी रहता है। जब हम गाढ़ी नींद में हैं, आत्मा और आत्मा का मित्र है प्राण, ये दोनों जगे रहते हैं, बाकी सब विश्राम करते हैं। कर्म की गति बहुत व्यापक है। संसार में आए हैं तो हमें कर्म का संपादन करना है। हमें मिलता है सुख, दुखों की भी प्राप्ति होती है। चल रहा है जीवन, अनुकूलता प्रतिकूलता, संसार की उहापोह में जिंदगी बीत जाती है। जीवन जीने में ही जीवन चला जाता है। यूं ही तो नहीं मिल गया, यूं ही तो नहीं मिल गया और यूं ही तो नहीं गंवा सकते हम। जीवन अनमोल है। ईश्वर का महान महान प्रसाद है ये मानव जीवन। ऐसे ही कर्मों के प्रवाह के साथ हम बहे जा रहे हैं। जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा है, वो बहा जा रहा है जल के प्रवाह के साथ। क्या 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 हम भी वैसे ही बहे जा रहे हैं? मन माया मरती नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया,
करमाया मन नाश, करमाया मन नाश। अनंत बार हम मां के गर्भ में आए, अनंत बार मृत्यु के दुख का अनुभव किया। एक बार आए हैं मां के गर्भ में और एक बार मृत्यु के दुख का अनुभव किया है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला रहा है। मां के गर्भ में बंद कोठरी में घोर अंधेरे में हम कैद हो जाते, प्रभु से प्रार्थना करते हैं बाहर निकालो, अंधेरा हमें पसंद नहीं है, अंधेरा हमें नहीं चाहिए, हम बाहर रहना चाहते हैं, हमें प्रकाश के साथ रहना अच्छा लगता है, ये प्रकाश हमें प्रिय लगता है। बाहर आते हैं माता पिता सगे संबंधी पत्नी पुत्र धन जमीन व्यवहार ये शरीर ये संसार हम रम जाते, जिंदगी चल रही है, जीवन चल रहा है और जीवन को जीने में ही जिंदगी समाप्त हो जाती है। बहुत बार है क्या जीवन, मृत्यु के दुख का हमने अनुभव किया। प्रत्येक प्राणी घबराता है मृत्यु से, प्रत्येक प्राणी। जब भी प्राणों पर संकट आता है, जब भी प्राणों पर संकट आता है तो सब घबरा जाते हैं, प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिला है। एक बार प्राण छूटा है, एक बार प्राण छूटा है, एक बार आए हैं मां के गर्भ में, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला रहा है। हमारे पास चित्त है, ईश्वर ने हमें दिया है अंतःकरण, बड़ी शक्तियों वाला ये अंतःकरण है। यह जो जीवन है, यह जो मानव जीवन है, यह केवल केवल शरीर और संसार के लिए नहीं है, ये जो मानव जीवन है, अरे ये तो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा के दीदार के लिए मिला। यूं ही नहीं चले आए और यूं ही नहीं वापस चले जाएंगे। नाना जन्मों से अनेक प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हमने भोगा है, एक जन्म से भोग रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं, इस संसार सागर में बहे जा रहे हैं। क्या सोचता है एक श्रेष्ठ साधक, एक विहंगम योगी, एक सदगुरु मार्ग का अनुगामी, एक स्वर वेद का पथिक? वो यही सोचता है, यही चिंतन करता है कि मैंने
अनेकानेक जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों और दुखों को भोगा है। ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, बड़े भाग्य से सौभाग्य से हमें सद्गुरु देव का ज्ञान मिला है, हमें स्वर वेद मिला है, हमें साधना मिली है और अपने जीवन को इसी में लगाकर आत्मा का कल्याण करने का अमोघ अवसर हमारे पास है।